यहाँ पे अटैच कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने लॉगिन बनाया, लॉगिन होने के बाद हमारा काम सिस्टम का सेटिंग प्रॉपर वर्क किया, जो भी साइट से हम टेंडर भर रहे थे ये साइट्स को मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर और जावा दोनों पे हम लोगों ने इसको सेटअप किया है। और सेटअप करने के बाद मैं डीएससी को ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने से पहले इसका ड्राइवर्स अपडेट्स देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे मेरा ये सिग्नेचर सर्टिफिकेट का लॉगिन है कि नहीं, ये सभी चीज़ें हम पहले ही देख लेंगे। ये सब क्लियर होने के बाद हम यहाँ पे साइन इन सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। देखिए नीचे मेरा जावा का रन चालू है, जावा के लिए पॉपअप आया, इसको हम यहाँ पे रन करेंगे। ये जावा को हम लोगों ने यहाँ पे रन कर दिया, स्मार्ट कार्ड का डिटेल्स आ रहा है, ये मेरे पीसीस में एरर्स की वजह से आ रहा है, आपको नहीं आएगा। तो ऑटोमेटिकली देखो ये डीएससी का डिटेल्स आ गया, जो कौन सा डीएससी अटैच, ये सब डीएससी मेरे सिस्टम पे इसके ड्राइवर्स है इसलिए ये सब कुछ दिख रहा है। तो मुझे कौन सा करना है, मुझे चंद्रशेखर पंडित का ये वाला डीएससी करना है। इसका देखो यहाँ पे सब डिटेल्स मुझे मिल गया, ये 20 सितंबर 2021 को एक्सपायर होने वाला है। 20 सितंबर या नीचे देखेंगे 20 सितंबर 2021 को एक्सपायर होने वाला है, ये डीएससी इसको अटैच करना है। मतलब अब जब भी मैं यहाँ पे लॉग इन करूंगा तो मेरा ये लॉग इन आईडी और ये डीएससी के छोड़ के मेरा ये लॉग इन नहीं होगा। इसको यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दिया और इसको यहाँ पे ओके कर दिया। इसको बोलते हैं डीएससी मैपिंग, मेरा ये डीएससी मैप हो गया। डीएससी इज इनरोलमेंट सक्सेसफुली, डिफेंस पोर्टल में इस आईडी के साथ ये जो डिजिटल सिग्नेचर का था ये पूरा इसके साथ मैप हो गया। अभी यदि मुझे लॉगिन करना है तो मुझे ऐसा ही लॉगिन करना पड़ेगा, मतलब ये आईडी के साथ ये डीएससी का रहना जरूरी है। इसकी वैलिडिटी क्या है, किसके नाम से है, ये सब कुछ डिटेल्स आपको आगे इसको नेक्स्ट करो और यहाँ पे एक ओटीपी आएगा। पहले मैं ओटीपी डाल देता हूँ, यहाँ पे मेल आईडी और ईमेल आईडी दोनों जगह पे ओटीपी आएगा, मुझे कहीं पर भी एक जगह पे ओटीपी डालना, कोई भी एक ओटीपी डाल देंगे तो ये मेरा अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मेरा रजिस्टर्ड क्या है वो मुझे बता दे रहा है, वेरीफाई, ये वेरीफाई हो गया और ये मेरा लॉगिन। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए सर। सर अभी आपने बताया था कि डीएससी में दो लॉगिन आईडी है और आपने एक अभी आदित्य पंडित नाम से एक जीमेल आईडी से लॉगिन किया, बराबर है सर। तो और ईमेल आईडी से चंद्रशेखर का भी लॉगिन हो सकता है, और दूसरा कौन सा है, विनय कुमार, एक ही मेल आईडी से दोनों भी लॉगिन कर नहीं, सकते हैं। नहीं, 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 अभी हमने उसको अटैच कौन सा किया, ये वाला अटैच चंद्रशेखर का किया, किया, यस बराबर है। अभी ये डीएससी से मैं कभी भी इसको लॉगिन नहीं कर सकता हूँ, मुझे इस कभी भी यही डीएससी लगेगा इनका। ओके उस मेल आईडी से, मगर इनका जो सीरियल नंबर है इसके साथ वो अटैच हुआ है। ओके तो विनय कुमार के लिए मुझे अलग से मेल आईडी और अलग से, हाँ अलग से आपको बना के आप अलग से लॉगिन कर सकते हो। इनरोलमेंट बिडर भी ये करना, हाँ अलग बनाना पड़ेगा, भी करना पड़ेगा। यस यस, एक लॉगिन आईडी करने के लिए एक ही डीएससी का डिटेल्स लगता है, दो नहीं। हाँ मैं चाहे तो मैं ये डीएससी यहाँ से निकाल सकता हूँ और फिर से विनय कुमार का डीएससी को ऐड कर सकता हूँ। ये कहाँ पे मिलेगा मुझे, मेरे माय अकाउंट में आपको एक ऑप्शन मिलता है कम्युनिकेशंस में, ऑथेंटिकेशंस में डिजिटल सिग्नेचर। यहाँ पे देखो इसका डीएससी का डिटेल्स, ये सीरियल नंबर सब आ गया। मुझे अभी डीएससी से इस लॉगिन नहीं होना है, मुझे अभी दूसरा डीएससी से लॉगिन होना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पे जाऊंगा, इसको इनएक्टिव कर, तब ये डीएससी से मेरा लॉगिन होना बंद हो जाएगा और फिर मैं दूसरा, फिर से मुझे वही ऑप्शन आएगा डीएससी अटैच करने का, जब मैं इसको लॉग आउट करके लॉगिन करना चाहूंगा तो जैसे मैं लॉगिन करूंगा उस टाइम पे फिर से डीएससी का वैसा डिटेल्स आएगा, जो डीएससी का मैं यहाँ पे डिटेल्स डाल दूंगा फिर से वो डीएससी उसके साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ओके सर, एक्टिव सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन मुझे बता रहा है। यहाँ से इनएक्टिव करते हैं तो फिर विनय कुमार का फिर मेल आईडी से आदित्य पंडित का मेल आईडी से मिलेगा, का मेल आईडी से नहीं, यही लॉगिन आईडी से मैं वो डीएससी को अटैच कर सकता हूँ, पर ये डीएससी उस टाइम पे निकल जाएगा।
ओके 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 ये वाला जो लॉगिन है, ये जो डीएससी का डिटेल्स है, ये निकल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। और एक्टिवेट कौन सा रहेगा? विनय कुमार का। ओके अभी आपको क्या करना है, ये लॉगिन आईडी डालना है, ये लॉगिन आईडी के साथ विनय कुमार का डीएससी डालना है, ना कि चंद्रशेखर का, क्योंकि आपने चंद्रशेखर को निकाल दिया। अभी यही सेम चीज आपके आपके नाम का, ये ठीक है नाम अलग अलग है, अभी आपके नाम से ही तीन डीएससी बनाए हैं आपने, एक डीएससी आपके लॉगिन आईडी के साथ अटैच किया है, बराबर है। अभी नेक्स्ट टाइम आपको लग रहा है ये डीएससी मुझे यूज में नहीं हो रहा है, ये डीएससी में दूसरे को दे दिया हूँ, तो एक बार लॉगिन करके इसको इनएक्टिव करके आप दूसरा डीएससी अटैच कर सकते हो। बट जो डीएससी अटैच करोगे जब आप यहाँ पे साइट पे लॉगिन होंगे, तो आपको वही डीएससी यहाँ पे अटैच, मतलब आपको उसका ही लॉगिन करके रखना पड़ेगा इस तरीके से। ओके ओके सर, क्लियर है पॉइंट सबको? सर जिसके नाम पे कंपनी है या जो बंदा अप्लाई कर रहा है टेंडर के लिए, उसके नाम से नाम पे डीएससी है ना? यस सर, डेफिनेटली। अदरवाइज आप दूसरे के नाम से भी डीएससी ले सकते हो, पर उसके लिए आपको एक ऑथोरिटी लगेगा, जो आपको मैं यहाँ पे ऑथोरिटी दे रहा हूँ। जैसे कि मैं इस कंपनी का मान लो ओनर हूँ और मैं चंद्रशेखर पंडित का डीएससी यूज कर रहा हूँ, तो मैं एक ऑथोरिटी लेटर या एक एफिडेविट बना सकता हूँ कि मैं इस टेंडर के लिए, ये महा डिफेंस पोर्टल का ये जो टेंडर है, इस डिफेंस पोर्टल के लिए मैं सब कुछ ऑथराइज चंद्रशेखर पंडित को दे रहा हूँ। पीओ बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। एक जब हम पावर ऑफ अटॉर्नी दे देंगे, तो फिर मैं उसका डीएससी से उसके इससे ही टेंडर भर सकता हूँ। ऐसा केसेस में हम दूसरे का भी डीएससी जो मेरे पास ये काम को है और मैं इसको पूरा पावर ऑफ अटॉर्नी इसको दिया, तो इसके आईडी, इसके डीएससी, इसके डिटेल से मैं टेंडर भर सकता हूँ। क्लियर है सबको सब पॉइंट्स? सर एक चीज डीएससी एनरोलमेंट के रिगार्डिंग। हेलो, हाँ बोलिए सर। एक्चुअली मैंने ना तीन डीएससी बनाई है। क्या बनाया? तीन डीएससी बनाया है। हाँ बराबर बराबर। एक नासिक में रखता हूँ, एक मालेगांव में, एक पुणे में। तो पुणे वाला खाली एमईएस का भरता है और जो मालेगांव वाला है तो जेडपी का भरता है। बराबर। और जो नासिक का वो पीडब्ल्यूडी का भरता है। तो अभी मुझे सब एक ही जगह पे करना है, तो उसको क्या करना? बराबर कर सकते हैं। आप क्या करो सर, सबका लॉगिन आईडी लीजिए और बाकी का जो दो पोर्टल है वहां पे जाओ और उसको इनएक्टिव कर दो, और जो दूसरा डीएससी है उसको वहां पे एक्टिव कर देने का। ओके, वैसे ही करना। अलग अलग पोर्टल से आपका एक ही आईडी बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, अभी ये क्लास 3 का यूज कर रहा हूँ, तो उसी में सब कर सकते हैं। हाँ, उसी में सब कुछ कर दीजिए। ठीक है, पर एक पोर्टल के लिए एक ही डीएससी यूज होगा। जैसे ये डिफेंस का है, तो डिफेंस के लिए एक ही डीएससी हो जाएगा। आप महा टेंडर्स के लिए यही डीएससी भी यूज कर सकते हो, या फिर आप दूसरा डीएससी भी यूज कर सकते हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट का सीपीडब्ल्यूडी, इंडियन ऑयल, यहाँ पर भी आप यही डीएससी भी यूज कर सकते हो, यही लॉगिन आईडी यूज कर सकते हो, या दूसरा डीएससी भी यूज कर सकते हो। मेन शॉर्ट हमारा बोलने का है क्या कि आप एक डीएससी से और सेम लॉगिन आईडी आप हर जगह पे बना सकते हैं, हर पोर्टल पे। जैसे डिफेंस हो गया, सीपीडब्ल्यूडी हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, एचपी हो गया, और भी जो भी साइट से आपके पीएमजीएसवाई हो गया, मॉप का हो गया, हाईवे का साइट, तो ये सभी जगह पे एक ही डीएससी और एक ही लॉगिन आईडी आप यूज चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे यदि मुझे वही डीएससी को फिर से इनएक्टिव किया हुआ डीएससी को फिर से एक्टिवेट करना है, तो व्यू एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट पे क्लिक करने का है और यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करना है और इसको एक्टिवेट करना है, तो मेरा ये डीएससी मेरा फिर से एक्टिवेट, फिर से वही डीएससी मेरा एक्टिवेट। देखिए देखो लॉग इन करके अभी देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, ये डीएससी मेरा इसके साथ एनरोलमेंट हो चुका है। रन करेंगे, ये लॉगिन करेंगे, तो लॉबी लॉगिन हो जाएगा।
देखिए लॉग इन यहाँ पर भी देखेंगे तो वही डीएससी मुझे दिखाएगा। सर जो आपने पिन डाला वो डीएससी वाला पिन था ना? डीएससी वाला, यस।